हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर मैं ऑडिबल हूं तो प्लीज आप मुझे एक बार हेलो हाय कर दीजिए। उसके बाद अपनी क्लास शुरू कर दूंगा कंटिन्यू। लेट्स चेक ऑन नेट। हेलो दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं अपने। हम जैसे कि कोई पीपीटी के वगैरह से तैयारी नहीं है, और शुरू करते हैं टॉपिक भारत की भूगर्भिक संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। और दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के तौर पे। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अभी फिलहाल में चेंजेस हुआ है, जिसमें 1 मंथ का जो चार्जेस है 8,000 से बढ़कर 9,000 शिफ्ट हो गया है। तो जो इसका अपडेट है मैं आपको कल दे दूंगा। तो बेसिकली जैसे कि आप YouTube पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो क्लास एकदम फ्री है, तो फीस स्ट्रक्चर की बात मैं कल कर दूंगा, ठीक है ना। तो वैसे भी आज का जो टॉपिक होगा वो मेरा 40 मिनट का होने वाला है, तो ज्यादा फोकस हम पढ़ाई पे करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अन अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों, जिसके थ्रू आप मुझसे जो मेरा कोड है KRIPA न्यूमेरिक वन में ऐड करेंगे तो आप सब्सक्राइब करते वक्त इसमें 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कराता है दोस्तों अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर क्लासेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है आप अपनी क्लास को एनीवेयर एनी टाइम कहीं से भी एक्सेस करके अपनी क्लास को लाइव कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी COVID-19 का ये टाइम पीरियड चल रहा है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या क्लासेस प्रॉपर रूप से नहीं चल रही है। तो आप अपने एक मोबाइल के थ्रू या एक लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू, जिस भी आप विलेजेस में रह रहे हो, टाउन्स में रह रहे हो, तो आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू दोस्तों कर सकते हैं। और इसमें आप अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगा बेस्ट फैकल्टी ऑफ योर टॉपिक, जिसमें से आप उनसे लाइव क्वेश्चंस, आंसर्स, क्विजेस सब कर सकते हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अन अकेडमी आपको आपकी जो पढ़ाई करने का तरीका बताता है वो है सिस्टमेटिक रूप से। दोस्तों फीस के बारे में ताकि मैं आपको कल बता पाऊंगा ठीक से कितना चेंजेस किया गया है। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना, जैसे कि आप सभी को पता है आज का जो टॉपिक है 40 मिनट का होगा। सिर्फ 40 मिनट में जो उसका बेसिक बेसिक सा टॉपिक है मैं समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ जब कल टॉपिक होगा तो आप इसको पढ़ के आएंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए मैं बताना चाहूंगा, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की संरचना या भूगर्भिक, एक्चुअल में जितने भी मेरे आज ये इसमें टोटल मिला के 14th नंबर का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर। तो हर चैप्टर में भूगर्भिक संरचना और उसकी जो ईरा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें पूछी जा रही हैं। तो लास्ट क्लास की कमेंट में था कि सर एक बार थोड़ा सा सेशन आप 40 मिनट का इसमें रख दीजिए, 30-40 मिनट का, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों पेश है आज जो टॉपिक है, ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना या भारत की भूगर्भिक संरचना। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपका यूपीएससी, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आने वाला जो इकोनॉमिक वाला एग्जाम होगा भारतीय इकोनॉमिक सर्विस का, आई इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, और इससे रिलेटेड आपका एनडीए में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, और जो स्टेट के पीसीएस होंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आप बेसिकली ध्यान से पढ़ना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहना। मैंने अपने दूसरे मोबाइल में
आपके आंसर्स करने के लिए लाइव सेशन को खोला हुआ है, ताकि जो भी आपको डाउट हो मैं उसको हाथों हाथ क्लियर करता चलूं। से मैं एक बार शांत कर लेता हूं साइलेंट पे। हाँ, जो भूगर्भिक संरचना है भारत की, वो कई भागों में विभाजित है। वो एक तरीके से ईरा में डिवाइडेड है। ईरा मतलब काल में, काल मतलब समय। तो ये जो टॉपिक है आपका भूगर्भिक संरचना, इट्स डिवाइडेड इनटू मेनी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियन क्रम, जैसे को बोलते प्री कैम्ब्रियन। बेसिक बेसिक थोड़ा पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये आपको पहले करा चुका हूँ, प्री कैम्ब्रियन। और जो कैम्ब्रियन है ये पार्ट किसका है? आर्कियन का। आर्कियन, आर्कियन ईरा। अब जो इसमें दूसरा टॉपिक आएगा, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है भूगर्भिक संरचना में, प्रोटोसोसिक। प्रोटोसोसिक ईरा, और जो प्रोटोसोसिक ईरा है वो है आपका धारवाड़। इट इज नोन एज धारवाड़। नंबर सी इज कुडुप्पा, ठीक है ना। अभी हम सी तक पढ़ेंगे क्योंकि जगह स्लाइड्स में उतनी है नहीं कि आगे तक चले जाएं, तो इसको ठीक से फोकस रखेंगे। जो प्री कैम्ब्रियन ईरा है इसमें आपको नंबर फर्स्ट मिलेगा बंगाल नाइस। बंगाल नाइस नंबर टू पे होगा इसमें नीलगिरी नाइस, यानी कि बंगाल नाइस का निर्माण कब हो रहा है और नीलगिरी का निर्माण कब हो रहा है, नीलगिरी नाइस। और नंबर थर्ड पे है इसमें बुंदेलखंड नाइस। क्योंकि हम भारत भारत की भूगर्भिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो भारत की संरचना की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड नाइस। अब जो इसमें प्रोटोसोसिक ईरा है, इसमें जो धारवाड़ क्रम है कि धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण भारत में कब हुआ, तो उसके जो क्लासिकल ईरा है बीच में 1 2 3 4 करके, उसके बारे में ठीक से देखेंगे। नंबर वन पे है आपका चैंपियन सीरीज, नंबर टू पे है आपका चिल्पी सीरीज, और नंबर नेक्स्ट है आपका आयरन ओर, नंबर नेक्स्ट है आपका राइलो, नंबर नेक्स्ट है इसमें लास्ट में सोसार सीरीज। सोसार सीरीज। और कुडप्पा जो ईरा है, कुडप्पा ईरा में आपका है जो ब्लैंक है वही चलेगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूं अभी, साथ साथ इसको साफ कर देता हूं। अब इसके जो ईरा है उसका जो क्लासिफिकेशन है चैंपियंस का, चंपानेर। कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ठीक से इसमें दिखाई दे। चैंपियंस सीरीज में जो इसका सब पार्ट है वो है आपका चंपानेर सीरीज। और चिल्पी सीरीज में है आपका क्लोज पेट, सी है, ठीक है ना, क्लोज पेट सीरीज। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, जिसका वर्गीकरण है, मैं आपको ये कंप्लीट करने के बाद बता दूंगा ये किस किस चीज में आते हैं। कोंडोलिट सीरीज, एक बार आप इसको लिखते चले जाएंगे तो ज्यादा आपको आसानी रहेगी। नंबर नेक्स्ट सकोली सीरीज, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है आर्कियन नंबर ए पे है, बी में आपका प्रोटोसोरस इसी का है, इसको धारवाड़ क्रम में आएगा। इसी तरीके से सी एज इट इज सी भी चलेगा, डी भी चलेगा, ताकि अभी इसमें हमारी स्क्रीन पे उतनी जगह है नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। स्लाइड्स बना देता हूं नई वाली। अब जो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं,
इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, अब इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच प्लेट विच ईरा विच फॉसिल इज कंसिडर तो विच टाइम पीरियड्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये आपका रेडियो कार्बन 14 टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं एज ऑफ एनीथिंग एनी फॉसिल, यानी कि जो जीवाश्म है उसकी एज कितनी है। तो इसमें हम कई बातों से इसको हम समझ सकते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, और जो कई बातें हैं वो निम्नलिखित होंगी और कौन कौन सी होंगी उसके बारे में चर्चा करना समझने के लिए जरूरी है। ये वही क्लास है 40 मिनट की जिसमें स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा टॉपिक समझा देना मोटा मोटा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, नंबर वन आएगा चट्टानों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक्स। नंबर टू स्लोप ऑफ रॉक्स। नंबर नेक्स्ट स्पेशलिटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। नंबर चार नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज। एक्चुअली में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरी क्लास थी ये वाली आज वो 7:45 PM की थी, और ये मैं अभी क्लास अभी कर रहा हूँ। एक्चुअली में मेरी जो मदर है वो आईसीयू में एडमिट है, तो उनको एडमिट कराने के बाद थोड़ा सा मैं फ्री हुआ और छोटे भाई को वहाँ पे छोड़ के आया, तब मैं क्लास कर रहा हूँ वो भी 40 मिनट्स के लिए ताकि आपको से जुड़ा रहूँ। अब इसमें जो है नंबर पांच लास्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनरल्स आल्सो। इसमें जो सारे के सारे टॉपिक हैं ये कवर होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में, कि भारत में कौन सी चट्टान आपकी कहाँ पे मिल रही है और रॉक्स कहाँ पे मिल रही है और रॉक्स की स्लोप कैसी है, जैसे कहीं पे रिफ्ट वैली बनाती है तो कहीं पे मैदान बना देती है, कहीं पे मुहाना बना देगी तो कहीं पे आपका एस्चुरी बना देगी। तो पता होना चाहिए स्पेशलिटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स की, उस चट्टान की स्पेशल विशेषता क्या है और मिनरल्स की विशेषता क्या है, नॉलेज ऑफ द रिसोर्सेज संसाधनों की ज्ञान कितना है और संसाधनों की उपलब्धता कितनी है और मिनरल्स की उपलब्धता कितनी है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में कन्वर्ट होंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक मैंने बताया था रेडियो कार्बन 14 टेक्नोलॉजी, रेडियो कार्बन 14 टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एज ऑफ द अर्थ है, किसका एज ऑफ द अर्थ इज कैलकुलेट ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स या बिलियन वर्ष, जो पृथ्वी की आयु है उसका पता रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से पता चला है, जिससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी की अब तक की जो आयु है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है, और इसके अलावा 4.6 बिलियन ईयर में जो अलग अलग खंड उपखंड समय के बटे हुए हैं, जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं ना सतयुग कलयुग व्हाटएवर जो भी है आगे के, तो उसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि बताया था मैंने ये आर्कियन है, प्री आर्कियन है, फिर प्री आर्कियन में किस किन चीजों का निर्माण हो रहा है, बंगाल नाइस है, नीलगिरी नाइस है, बुंदेलखंड नाइस है, फिर प्रोटोसोरिक में धारवाड़ रॉक्स बन रही है तो उसमें कौन सा है, चैंपियंस है तो चैंपियंस में चंपानेर है, चिल्पी है तो क्लोजपेट है, उसमें क्लोजपेट के बाद आयरन ओर बन के आ रहे तो
खंडो लोड सीरीज बन रही है, तो ठीक इसी तरीके से जो कार्बन टेक्नोलॉजी है, कार्बन रेडियो टेक्नोलॉजी RC-14, वो बताती है हमें कि एज ऑफ द अर्थ अभी तक 4.6 बिलियन है। अब इसमें जो ये कहा गया है कि जैसे कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो मैंने आपको क्लास में जो मैंने आपका MCQ की क्लास एक बार बताया था कि जैसे कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है तो ऊपर इसमें भू प्रॉपर्टी है, फिर इनर कोर आउटर कोर कोर है, उसके बारे में चर्चा की थी। अब उस टॉपिक पर ना जाके हम आज का टॉपिक करेंगे, जैसे ये आपका आर्कियन टॉपिक्स पे रहेंगे, 40 मिनट का टॉपिक है तो भटकेंगे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों आर्कियन और प्री आर्कियन की बात कर रहे हैं, प्री आर्कियन एरा। अब इसके अकॉर्डिंग ये सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट एरा ऑन अर्थ, यानी कि पूरी पृथ्वी पर सबसे पुराना युग कौन सा है आपका, आर्कियन। आर्कियन एरा और प्री कैम्ब्रियन एरा इज द ओल्डेस्ट ऑन द अर्थ। और इसके अलावा जो है आपका जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से 57 करोड़ वर्ष तक आपका प्री कैम्ब्रियन ईरा रहा है। प्री कैम्ब्रियन ईरा, ईरा मींस वर्ष, तो कब से स्टार्ट हुआ है, लगभग ये 600 करोड़ साल तक रहा था, यानी कि इसका जो ईरा है 100 बिलियन वर्ष तक रहा है। अब इसमें जो है मैंने चर्चा करी थी आपसे बंगाल नाइस की, जैसे कि यह मैंने आपको बताया था बंगाल नाइस, नीलगिरी नाइस, बुंदेलखंड नाइस, इनकी चर्चा कर रहे हैं आज। मामा जी का कॉल आ रहा है, बात कर लो, हॉस्पिटल के बारे में पूछ ले। हाँ दोस्तों, जो आर्कियन चट्टान है वो भारत में तीन पार्ट में फैली हुई है। जैसे कि बंगाल नाइस नंबर टू है आपका, बुंदेलखंड, नंबर थ्री इज नीलगिरी। गिव मी फ्यू सेकंड, शायद हॉस्पिटल से मैसेज है कुछ।
बंगाल है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। ये फोलिटल चल रहा है, फोली लेटेड, फोली लेटेड रॉक्स है। जैसे कि सभी को पता है फोली लेटेड रॉक्स का मतलब ये होता है कि ये एक अति विशाल प्रकार की चट्टान होती है। कैसी होती है? अति विशाल प्रकार की चट्टान। और दूसरा, ये जो इनका जो फैलाव है भारत में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको ठीक से समझना। ये आपकी जो MCQs है ना, जो आपका मल्टीपल क्वेश्चंस में आते हैं, तो उसमें ये प्री में बड़े कामयाब होते हैं। और जिसकी याद ही टॉपिक याद रहेगा कि फोलिडेटेड रॉक्स हैं, तो वो उसको लिखने में भी हेल्प मिलेगी। फैलाव जो होगा बंगाल नाइस का, जैसे कि नाम से पता है कि बंगाल के आसपास के एरिया उनमें होगा, जैसे ओडिशा का कोरापुट, कोरापुट ऑफ ओडिशा एंड बोलंगीर, एक सेकेंड, हाँ बोलंगीर, ये भी उड़ीसा में आपका। और इसके अलावा खोंडोलाइट, खोंडोलाइट जो है एक जनजाति का भी नाम है खोंडो, तो उसके बेस पे इसका नाम खोंडोलाइट भी से कहा जाता है। और इसके अलावा जो है झारखंड का, झारखंड, झारखंड का जो है आपका वो है मानभूम, सिंहभूम, मानभूम, ये आसपास के एरिया पड़ते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको सिंहभूम से याद रख लेना कि झारखंड में कहाँ पे है ये है आपका मानभूम। और मानभूम के अलावा जो है जैसे हजारीबाग हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है ना आपको? बंगाल नाइस के फैलाव की बात कर रहा हूँ। ये उड़ीसा के कोरापुट में है और बोलंगीर है, और झारखंड के मानभूम और हजारीबाग में भी है। और खोंडा लाइट जो है, खोंडा लाइट का बंगाल नाइस का दूसरा नाम भी है। और इसके अलावा ये नेल्लोर, एपी और सेलम, तमिलनाडु, इन जिलों में जो इनका सबसे ज्यादा फैलाव है। एक बार मैं नई सी स्लाइड्स बना के आपको ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा प्रॉपर ढंग से, ताकि आपको आने वाले उसमें क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो। देखो आप बंगाल नाइस, इसका जो फैलाव है, जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कहाँ पे है? एपी, आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? कोरापुट एंड बोलंगीर बोलंजीर एंड इसके अलावा जो झारखंड है, इन द एरिया ऑफ झारखंड इट इज एक्सपेंशन इन हजारीबाग, एंड नेल्लोर, सेलम इन तमिलनाडु। इसके अलावा जो बंगाल नाइस है, तो भैया आपका बंगाल में भी तो मिलेगी ना। तो बंगाल नाइस की सबसे पहले जो पहचान है बंगाल में हुई थी, और बंगाल में ये हुई थी आपका मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट।
बंगाल नाइस फर्स्टली आइडेंटिफाई इन बंगाल इन द एरिया ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बुंदेलखंड. बुंदेलखंड नाइस की बात की जा रही है. बुंदेलखंड नाइस, बुंदेलखंड नाइस जो है आपका आर्कियन ईरा की है. इट इज डेवलप इन आर्कियन ईरा एंड फर्स्टली एक्सपेंशन इन जो एक्सपेंशन है जो फैलाव है वो है इसका बुंदेलखंड. एज वी नो बुंदेलखंड का जो फैलाव है वो आपका दो स्टेट में मिलता है एमपी एंड यूपी. अब इसमें से जो बंगाल का एरिया सॉरी जो बुंदेलखंड का एरिया है वो उसके आसपास के एरिया में भी मिलता है. जैसे कि बात करें हम बघेलखंड, बघेलखंड आपका कहाँ हुआ, ये हुआ आपका एमपी. बघेलखंड ओके. इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और इसके अलावा चलेगा आंध्र प्रदेश. और आंध्र प्रदेश का एक दूसरा पार्ट अलग हुआ था तेलंगाना. तेलंगाना के बाद तमिलनाडु. तमिलनाडु ठीक इसी तरीके देखिए तमिलनाडु में आपका बुंदेलखंड मिल रहा है तो सेलम वाले इलाके में भी आपका क्या है बंगाल नाइस भी मिल रहा है. तो थोड़ा सा इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अब जो इसमें है बुंदेलखंड में जो मिलता है आपका वो मिलता है नाई क्वार्टर्स. क्या मिलता है नाई क्वार्टर्स मिलता है. और नाई क्वार्टर जो है एक डिफरेंट टाइप का आपका रॉक्स है जिसकी जो विशिष्ट पहचान है क्वार्टर्स के रूप में होती है जिसको कहा जाता है नाई क्वार्टर्स. और नाई क्वार्टर्स किसका है आपका ये बुंदेलखंड एरिया में डेवलप हुआ था. अब जो है इसके अलावा वो है आपका नीलगिरी नाइस. अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है क्योंकि कोर्स आगे करेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि समझ में ना आए, समझना बहुत जरूरी है. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी नाउ. देख लेता हूँ कोई अगर क्वेरी आई है तो. नहीं अभी तो है नहीं. नंबर थर्ड है आपका नीलगिरी नाइस. नीलगिरी नाइस ऐसा था जो कलर है नीलगिरी का वो ब्लू कलर से जैसे कि नील होता ना ब्लू उससे लेके डार्क ब्राउन तक का कलर इसकी एक स्पेशलिटी है. स्पेशलिटी है. और इसके अलावा जो है आपको इट इज रिच इन प्लूटोमिक जीनस. प्लूटोनिक जेनेसिस प्लूटोनिक जीनेसिस. अब दोस्तों इसका जो एक्सपेंशन है जो इसका एक फैलाव है वो है आपका बालासोर कर्नाटक. दोनों मतलब कि बालासोर कर्नाटक में ही है और केरल
झारखंड, छत्तीसगढ़, और इसके अलावा अरावली रेंज इन राजस्थान। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँ ना अगली स्लाइड्स में, तो देखना उसको ताकि आपकी थोड़ी सी समझ में ज्यादा डेवलप हो जाए। अगर हम बात करेंगे आर्कियन फॉर्मेशन की, कि भारत में आर्कियन फॉर्मेशन का कैसे डेवलपमेंट हुई है, ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट भी कर सकते हो। ये आपका इंडिया का मैप है, थोड़ा सा बस को समझने की कोशिश करना कि ऐसे करके ये मैप है इंडिया। अब इसमें जो है आपका मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो मिनरल्स भी आपके कौन कौन से मिलते हैं, गोल्ड है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं उसी के टाइप में हम रॉक्स की भी बात कर रहे हैं साथ साथ, तो टॉपिक आपका आज क्लियर हो जाना चाहिए। सिल्वर, और सिल्वर के अलावा इसमें मिलेगा आपको कॉपर। यहाँ शायद मेरी फोटो आ रही होगी, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, लेड, शीशा, इसके अलावा मैग्नीज एंड टिन। टंगस्टन, ग्रेफाइट, सिलिमनाइट, एंड डायमंड, काइनाइट ऑल्सो। अब ये जो है आपका आर्कियन फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और आर्कियन फॉर्मेशन के अंतर्गत जो ये आपके मिनरल्स मिलते हैं वो देखो, जो है राजस्थान में आपका सिल्वर भी है इस वाले पार्ट में, लेड भी मिल रहा है जो राजस्थान वाला एरिया है पूरा। ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा आज, आज आपको बहुत ही कम समय में पढ़ा रहा हूँ तो इफेक्टिव बता रहा हूँ। देखो जो ये टॉपिक था इसमें लेड का है और इसमें एक सिल्वर भी होगा। ये देखो कहाँ मिलता है आपका, इट इज फाउंड मोस्टली इन द पार्ट ऑफ राजस्थान। कौन सा पार्ट है, इट इज नोन एज राजस्थान। और दो कौन से मिल रहे हैं, लेड एंड सिल्वर। एंड बिसाइड्स इट वी आर गोइंग टू दैट एरिया इन द साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दैट एरिया बेसिकली नोन एज फॉर ग्रेफाइट, टंगस्टन। और यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा है वो है आयरन ओर, जो यहाँ पे आपका बिहार और झारखंड वाली बेल्ट में मिलता है। क्या है, आयरन ओर। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे, वो मिलेगा आपको कोल। दो यहाँ पे मोस्टली आपको जो है मिनरल्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और आपको ये एक इधर अगर आप आ जाते हो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ये मेघालय वगैरह के एरिया में, तो यहाँ पे जो है आपका कोल का रिजर्व भी मिलेगा। इसको मैं साफ करके दूसरे और कलर से बता देता हूँ, दिल्ली में रहना हो रहा है मुश्किल, बहुत धुंध है, मौसम खराब है, नाक भी बंद हो चुकी है। मेघालय में जो है आपका वो है कोल के रिजर्व मिलेंगे। और यहाँ पे केरल वाले साइड में आ जाएं अगर आप, तो यहाँ पे आपका थोरियम भी मिलेगा। और
असम के वाले पार्ट में, मेघालय वाले पार्ट में जाए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको यूरेनियम वाला पार्ट भी मिलेगा। अब दोस्तों इसके अलावा जो है डायमंड, एज वी नो एंथ्रासाइट जो कोल होगा आपका, एंथ्रासाइट कोल वो बाद में आपका डायमंड में तो कन्वर्ट होता है ना, तो इसके अलावा जो रॉक फॉर्मेशन है भारत में उसके बारे में चर्चा करेंगे। रॉक फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे अभी, बस 5 मिनट और क्लास करते हैं जो बहुत बेसिक सा है। ये देखिए आप ऐसे करके, ये इंडिया का मैप है कुछ कुछ, रॉक फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जो क्वार्टनरी रिसेंट है, चलो बेसिक सी बात करते हैं, जो आर्कियन की है पहले, आर्कियन जो है सबसे पहले आपका जो प्री कैम्ब्रियन वाला था वो था आपका 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। जो 4.6 बिलियन ईयर एगो है वो डेवलप हो रहा है आपका, देखेंगे ठीक से, जो पार्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, क्योंकि जब हिम टूटा हुआ हिमालय जो टिथिस सी था यहाँ पे, उसकी वजह से ये बैंड हो गया और यहाँ पे हिमालय झुक गया यहाँ तक, यहाँ से ऐसे करके। तो ये जो अंडमान निकोबार है वो आपका डूबा हुआ हिमालय है, और इधर से आपका तिब्बतन प्लेट है, उसको आप यूरेशियन भी बोलते हैं, और इधर से आपका इंडियन प्लेट है। तो सॉफ्ट आपकी इंडियन प्लेट थी, और टफ आपकी, या हार्ड की बात करें तो आपकी तिब्बतन प्लेट थी, जो हार्ड पे सॉफ्ट को चीज को लगाओ तो हार्ड वाली सॉफ्ट को मोड़ देती है। तो हिमालय का यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस आया है, हिमालय का निर्माण हुआ था। ये मैं आपको टॉपिक करा चुका था, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब जो इसमें धारवाड़ रेंज है दूसरे नंबर पे, जो मैंने आपको बताया था, कौन सी, धारवाड़ रेंज। तो धारवाड़ रेंज का डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका राजस्थान वाले पार्ट में भी है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ और टॉपिक खत्म करने वाला हूँ। राजस्थान में है, असम के अपर पार्ट में मिलेगी आपको, और कर्नाटक वाले पार्ट में जहां पे आपका आयरन ओर का है, और इसके अलावा जो है आपका मध्य प्रदेश के लोअर एरिया में मिलेगा। अब जो धारवाड़ रेंज है उसकी चर्चा हो चुकी है, और इसके बाद जो विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल रेंज जो है, मैं फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, विंध्याचल रेंज आपका एमपी में मिलेगा, राजस्थान वाले रेंज में मिलेगा, और थोड़ा थोड़ा ये आपका जो ये नर्मदा वैली का हिस्सा है इसके दक्षिणी तट की ओर मिलेगा। तो ये आपका विंध्याचल जो है आपका, ये भी एक धारवाड़ के बाद की ही संरचना का निर्माण करता है। दोस्तों जो क्लास होगी कल मेरी वो 7:55 पे होगी, तो ठीक आप लाइव जुड़ जाना। थैंक यू, अन अकेडमी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अन अकेडमी के साथ, और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए कृपा वन टाइप कीजिए, तो इसमें आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू, गुड नाइट।